और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में शामिल होने से पहले राज ठाकरे ने एमएनएस नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है, क्या बातचीत हुई है, इसको लेकर राज ठाकरे अपने सभी नेताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक के बाद ही ये फैसला होगा कि एनडीए में एमएनएस शामिल होगी या नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ बैठक के दौरान राज ठाकरे की तरफ से शिरडी और दक्षिण मुंबई दो लोकसभा सीटों की मांग भी की गई थी। हालांकि बीजेपी ने उन्हें एक लोकसभा सीट देने के पक्ष में मन बना लिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी एनडीए में शामिल होती है तो दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से उसका उम्मीदवार चुनावी मैदान में महायुति की तरफ से चुनाव लड़ेगा। स्कूल का टीचर बनने और उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने तक का सफर निशित प्रमाणिक ने बेहद कम समय में तय कर लिया। मतलब निशित का सियासी सफर बेहद तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अपनी मां को देखकर किया था। उनकी मां चंदा प्रमाणिक टीएमसी में थी और अपने गाँव की प्रधान चुनी गयी थी। और जब निशित बड़े हुए तो उनका झुकाव भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ हो गया। हालांकि उन्होंने टीचिंग में डिप्लोमा करके प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान भी वो तृणमूल के साथ जुड़े रहे। 2011 में टीएमसी ने तृणमूल युवा संगठन का गठन किया था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इसके नेता बनाए गए। इस दौरान निशित भी इस संगठन में शामिल हो गए और अभिषेक बनर्जी के करीबी बन गए। इसके बाद पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। पार्टी के अंदर युवाओं को ज्यादा मौके देने की लड़ाई निशित ने शुरू कर दी थी। टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं से बढ़ती अनबन की वजह से वो पार्टी से दूर होते गए। बाद में उन्होंने 2019 में बीजेपी में एंट्री ले ली। 2019 लोकसभा चुनाव में वो पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में दीनहाटा विधानसभा सीट से उन्होंने टीएमसी के उदयन गुहा को महज 57 वोटों से मात दी थी। लेकिन खबरों के मुताबिक बीजेपी के आदेश पर उन्होंने विधानसभा में शपथ नहीं ली। इस बीच पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 रोज पहले मशहूर यूट्यूबर अलवेश यादव को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और जांच के दौरान सांपों के जहर की तस्करी के आरोप में नोएडा पुलिस ने दो और आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों आरोपियों का अलवेश यादव और पहले पकड़े गए 5 तस्करों के साथ कनेक्शन हो सकता है। दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, ईश्वर और विनय की। साक्ष्य के क्रम में इनके विरुद्ध विवेचना की जा रही। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी ईश्वर पहले पकड़े गए राहुल नाम के सपेरे से लगातार संपर्क में था। वो राहुल को अपने फार्म हाउस पर बुलाता था और सांपों का जहर भी मंगवाता था। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी विनय ईश्वर यादव का बेहद करीबी बताया गया। और पुलिस के मुताबिक सांपों के जहर की तस्करी में दोनों की सांठगांठ थी। लेकिन यूट्यूबर अलवेश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस कई और लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। मामले में अभी तक अलवेश के अलावा 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 दिन पहले पुलिस ने नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में अलवेश यादव को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत के दिए विवादास्पद बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। उन्होंने मोदी को 104वीं गोली दी है, औरंगजेब कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश ने तो मन बना ही लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार आ रही है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। अब आपको सुनवाते हैं कि संजय राउत ने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था।
महाराष्ट्र शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरात मध्ये झाला। गुजरात मध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। चलिए अब आपको बताते हैं कि उद्धव गुट के संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आखिर क्या कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान देते हुए ये कहा है, देखिए संजय राउत का विवादास्पद बयान, गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का को यहाँ पर रेफरेंस करते हुए, और इस बीच उन्होंने कहा कि जहां मोदी का जन्म हुआ उसके बगल के गांव में औरंगजेब का जन्म हुआ था, इस तरीके की तुलना यहां पर संजय राउत की तरफ से की गई। औरंगजेब की प्रवृत्ति गुजरात दिल्ली से महाराष्ट्र में आ रही है, यह विवादास्पद बयान यहां पर संजय राउत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया। और न्यूज 18 राइजिंग भारत के मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि वो आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग भारत कार्यक्रम के मंच से विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी, आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है, बात वही है, नीयत सही